माने दीपमाला पे है ना भाई। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, अब लगभग खत्म होने को आ गया है। कुछ एक बच्चे अब आ जाए, कुछ एक कल भी आए थे, ठीक है। अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है आप में से कई लोगों का आना जाना है ना। फिर भी दोबारा से आपके लिए रिक्वेस्ट यही है, कोई भी तकलीफ है आइए। सबसे पहले दीपमाला में डीपीएमएल को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि दो वोवेल साथ आए और बचे हुए दो वोवेल एक साथ आए। कोई दो वोवेल एक साथ आए और बचे हुए दो वोवेल एक साथ आए, तो आप में से किसी को पता हो इसमें दो ही तो वोवेल हैं, एक ए और एक ई, वो दोनों के ए, दो दो सेट है, तो हमारी थोड़ी ना गलती है। उसने जानबूझ के दीपमाला जो ढूंढा है, ऐसा वर्ड ढूंढा है जिसमें दो वोवेल इधर दो वोवेल इधर है, ठीक है ना। सेम वोवेल है, अगर ये सेम वोवेल है तो क्वेश्चन के अंदर एंट्री क्या है? वो कहता है इनको कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, कर देते हैं ना अरेंज। क्या कहते हैं? कोई भी दो वोवेल एक साथ हो, बचे हुए दो वोवेल एक साथ हो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। पहला काम इन चार जनों को अरेंज कर लें। नहीं समझ में आया? दो एक जैसे वोवेल एक साथ चलेंगे, ए एक साथ चलेगा, लेकिन ए और ई एक साथ नहीं चलेगा, है ना। तो पहली कहानी क्या ना, ए चलेगा, ठीक है ना, ए ई नहीं चलेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहली बात स्टोरी ये कह रही है। अगर ये वाली बात सत्य है तो देखो साहब, पहला बात आप डीपीएमएल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल फोर, है ना भाई, फैक्टोरियल फोर तरीके से आपने पहले डीपीएमएल को अरेंज कर दिया। अब इसमें कितने गैप प्रकट हो गए बताओ? पांच। इन पांच गैप में है ना, कोई भी दो पकड़ लें, कोई भी दो प्लेस। क्यों? दो प्लेस में क्या रखोगे? एक में ए, एक में ई, तो पांच में से दो पकड़ने के तरीके हो गए। अब दो जगह पकड़ में आ गई, उन दो जगहों में कितने जनों को बैठाना है? चार। नहीं आया? उन चार जनों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल फोर डिवाइड फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू सेम है ना। नहीं आया? पहले ये कौन है, ये किसको अरेंज करा? डीपीएमएल को, ठीक है ना भाई। उसमें पांच गैप में दो चुन लिए, राइट है ना भाई। उन दो गैप में चार जन, ठीक है ना भाई। और उन चार जनों में भी दो सेम आया, माने एक गैप में ए बैठाना है, एक गैप में ई बैठाना है, दो गैप है। समझ में आया? ये ऐसा नहीं है कि ए इधर, फिर अगले वाले में ए, फिर अगले वाले में ई, अगले वाले में ये नहीं। दो स्वर साथ, दो वोवेल साथ, बचे हुए दो वोवेल फिर साथ, लेकिन वो दो वोवेल आपस में साथ साथ नहीं, इसलिए लिखा ए और ई नहीं चलेगा, राइट है। अगले बात हो, क्योंकि बहुत है क्वेश्चन। हाँ, वो यही है, मैंने आपको कहा ए और ई एक साथ ना हो, है ना, ए एक साथ हो, ई एक साथ हो, ए और ई एक साथ ना हो। हाँ भाई, नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 10 बॉयज को एक राउंड टेबल के आसपास बैठा सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना, है ना भाई। जिसमें दो खास बच्चे हैं वो साथ साथ ना बैठे, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसा कैसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरे कॉपी में पड़ा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के सेकेंड एग्जाम्पल ये है उसका, जिसमें अपन ने एक लड़का और एक लड़की को साथ नहीं बैठने दिया था, B1 G1 को, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है ये, राइट है। तो आप कॉपी से देख लें, बन जाएगा, वहां से टाइम नहीं खराब होगा। अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ भाई, इंडिया और पाकिस्तान है ना, एक हॉकी मैच की एक सीरीज खेल रहे हैं, जिनमें से वो तब तक खेलते रहेंगे जब तक कोई एक टीम पांच मैच नहीं जीत जाती। पांच मैच लगातार नहीं बोला, पांच मैच जीतना, जो पहले पांच जीत गई वो पूरी सीरीज जीत गई। तो ज्यादा से ज्यादा कितने मैच खेल सकते हैं वो लोग? 9। नहीं है? अरे पहले इंडिया जीता, अगला पाकिस्तान जीता, फिर इंडिया जीता, फिर पाकिस्तान जीत गया, अभी तक दोनों दो दो से बराबर है ना, फिर इंडिया जीता, फिर पाकिस्तान जीता, 3-3 से बराबर, फिर इंडिया जीता, फिर पाकिस्तान जीता, 4-4 से बराबर, फिर इंडिया जीत गया, पांच मैच जीत गया, सीरीज जीत गया। कहानी पकड़ में आई आपको? तो ज्यादा से ज्यादा 9 तक खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था सर कि पांचों लगा था? नहीं, सिर्फ दो, या तो हारेगा या जीतेगा, दो ही परिणाम है, ठीक है ना। ड्रॉ का इसने खुद ने अपनी तरह से केस नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब खेल देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। ये भी तो हो सकता है 5-5 इंडिया जीत जाए, मतलब लूजिंग नन। कहने का मतलब ये, ऐसा भी तो हो सकता है 5 में से एक भी ना हारे,
ये भी एक तरीका है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है पांच में से कोई एक हार जाए, सुना भाई, पांच में से कोई एक हार जाए और छठा जीत जाए, छठा जीत जाए। जीतने को सर एक कह रहे हो आप? हाँ, हारने को भी एक कहता, एक तरीके से जीता जाता है उस मैच का, एक ही परिणाम हो, दो नहीं हो, फिर क्या हो? फिर क्या? सुना जरा ध्यान से, अभी कितने मैच खेले गए टोटल? छह मैच खेले अगले ने। हाँ, अब यहां वाले में कितने होंगे? छह में परिणाम नहीं निकला तो क्या हो सकता था? सात मैच, सात मैच में सातवां इंडिया जीते और पांच में से कोई दो हार जाए, पांच में से कोई दो हार जाए, कोई दो आप चुन लो जो आपकी पसंद आए, है ना, पांच में से दो हारा, इसका मतलब तीन जीत गया, तीन मैच तो इंडिया जीत चुका है, और फिर है ना, मतलब तीन मैच ये जीत गया, ना पांच में से नहीं, छह में से, हाँ छह में से कोई दो जीत जाए और फिर सातवां जीत जाए, नहीं आया? छह में से कोई दो जीता इसका मतलब, सॉरी कोई दो हारा इसका मतलब कितने जीता? चार, चार तो वो पहले जीत चुका छह में से और सातवां फिर जीत गया, मतलब आखिरी मैच जीता हुआ होना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही आपको, आखिरी जो है ना, आखिरी जीता हुआ ही तो जीता है। मान लो अगर आखिरी मैच जो है ये बेकार है, ये यूजलेस है सारा, है ना, अब ये इसका क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया भाई तुम्हें, आ रही है ना? हाँ देखो क्या क्या हो सकता है ना, सोचो, आखिरी मैच जो जीता ना वही जीता हुआ है, नहीं आया समझ में? जिसने आखिरी मैच जीत लिया वो जीत गया। जैसे सोचो अपन कह रहे थे ना नौवां मैच, तो देखो आखिरी मैच इंडिया जीता था, चार चार से बराबर चल रहे थे वो लोग, और क्या हुआ था, आखिरी मैच इंडिया जीत गया तो टोटल जीत गया, आखिरी पाकिस्तान जीता था तो पाकिस्तान जीत जाता। हमने इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करी, हम तो बात कर रहे हैं छह में से कोई भी दो हारा, माने चार कोई भी जीते, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे इंडिया जीते, एनी ऑफ देम, या क्या हो सकता था? यहां सात मैच की बात हुई है, अब अपन बात करते हैं आठ मैच में अगर परिणाम निकले तो आठ मैच में कैसे हो सकता है? सात में से कोई तीन हारा लेकिन आठवां जीत गया, और अगला क्या हो सकता था? आठ में से कोई चार हारा, है ना, और नौवां जीत गया, तो नौ मैच तक परिणाम गया। इसके सिवा और कोई तरीका ही नहीं हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा नौ मैच खेले जा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम पांच, पांच मैच से कम में पांच मैचों की श्रृंखला जीती ही नहीं जा सकती। अरे हाँ यार, पांच मैचों से कम में पांच मैचों की श्रृंखला कैसे जीत सकते हैं? पांच मैचों की श्रृंखला को तीन मैच में थोड़ी जीत के आ जाएगा, कितनी सिंपल सी बात है। लेकिन आप सोचो ना कितनी सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करने में हम लोग कितना टाइम लगा सकते हैं, है ना। मैं इसीलिए तो कहता हूं बार बार, ये आपकी बुद्धि का विकास कर देगा ये चैप्टर, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्या सोचते हैं, हर बात सोचते हैं ये लोग तो। रेडी करें बात, आगे आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्यों नहीं तो नौ के बाद में जीतना है बंदा ही होता था। अरे दस मैच जीत ही नहीं सकते, दस मैच कोई खेल ही नहीं सकता था, कभी जिंदगी में नहीं खेल सकता था दस, कोई भी जीत जाता ना, नौवे में जीत जाता, नौवे में परिणाम आना तय था, नौ मैच का अगर गेम हो जाता ना तो कोई ना कोई पांच जीत कर चला ही जाता, कोई पांच तो जीतता ही जीतता, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता था। आप यही तो दिमाग है, सारा खेल इस बात का है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नौ में ही मैक्सिमम नौ तक के जाते हो और मिनिमम मिनिमम पांच तक, है ना भाई। हाँ भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अपन इससे नहीं देंगे टाइम ना, क्योंकि अपने पास में बहुत विशाल काम पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अगले नौ तक आ गए तो इसका मतलब या तो बहुत तेजी से चले या बहुत तेजी से उड़ाए या फिर बहुत तेजी से बच्चे पड़े हैं, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक काम होगा। हाँ भाई यार लास्ट में साइफर का मतलब समझते हैं आप लोग, जीरोस, आप में से किसी को ध्यान नहीं है, मैंने 100C50 में से जीरो का वैल्यू दिखाया था, कितने जीरो आएंगे। अब क्वेश्चन वाला आपसे चाहता है कि आप उसे 2002C 1001 में सोचें, तो ये कॉपी में मैंने करवाया है, ठीक है ना, विशेष प्रयास करना है ना, लिख लो कॉपी, मान लो फिर ना हो तो आप वापिस आ सकते हैं। राइट भाई अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पांच, एक ओल्ड मैन है, वही है ना क्वेश्चन आपका? नहीं ओल्ड मैन वाला नहीं है, कौन सा वाला है? इसका मतलब चेंज चेंज, अच्छा थ्री वर्टिसेस ऑफ ए कॉन्वेक्स एन साइड पॉलीगन आर टू बी सिलेक्टेड। हाँ भाई तो इसमें क्या तकलीफ आया?
If the number of triangle that can be constructed such that none of the sides of the triangle is also the side of the polygon is 30. हम लोगों ने ये बात करी है इस पे, इस तरह का एक क्वेश्चन करवा रखा मैंने, है ना? हाँ, जो भी है, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है ना? लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर करवाया जिसमें साइड टू साइड और कॉर्नर टू कॉर्नर के क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है? फिर से कॉपी में नहीं बने, ठीक है? आपकी जगह जहां भी आपको लगे अपन उस पर डिसाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहते हैं? वो ही आ गया आखिरकार, है ना? वृद्ध पुरुष. हाँ जी साहब, एक एम प्लस एन लोगों को अगला खाने पे बुलाता है. जबरदस्त खेला, जबरदस्त. उसने कितने लोगों को बुलाया साहब? एम प्लस एन. खास बहुत समझना. मान लो एम प्लस एन का मतलब एक तरह से हमारी समझदारी के लिए एम अपने आप में मेल है और एन अपने आप में फीमेल्स हैं, राइट है भाई? तो उसने एम जेंट्स को और एम लेडीज को अपने आप डिनर पे इन्वाइट किया, ठीक है भाई? अच्छा, और ये भी कहता है कि एम लोगों को फर्स्ट टेबल पर बिठाया, जिसका नाम उसने T1 रख दिया. सारे जेंट्स एक साथ बैठ जाइए प्लीज. और सारी लेडीज को टेबल टू पे बैठा दिया, राइट है भाई? अच्छा, अब करना क्या है? वो कहता है इन एवरी दिस, है ना, किसी भी अरेंजमेंट में सेम जो है ना वो पड़ोसी ना आए, ठीक है? तो कितने तरीके से सारा अरेंजमेंट हो सकता था, ठीक है ना? सेम पड़ोसी ना आए, ये सारी बातें बकवास हैं. टोटल कहने का मतलब ये है कि कितने तरह के अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं, सीधी बात. सेम अरेंजमेंट ना बने, अलग अलग तरह के. तो कहने मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट की बात हो रही है. अभी डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं. डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है ACW और CW सेम ना आए. कितने लोगों को समझ में आया आपको? बात समझ में आया आपको, है ना? ACW और CW सेम ना आए, है ना भाई? कहानी का मतलब डिफरेंट जाए डिफरेंट. अब जरा इसकी कहानी को यूं पकड़िएगा. पहला काम वो क्या करेगा ना, अब ये मेल और फीमेल का चक्कर हटाते हैं. एम प्लस एन है ना, एम लोगों को भी यहां बैठाएगा, एन लोगों को भी यहां बैठाएगा, ठीक है ना? अच्छा, मैंने क्या किया, एम प्लस एन में से एम प्लस एन के दो हिस्से कर दिए, एम लोग अलग, एन लोग अलग, राइट है? फिर इन्हें अरेंज करने का तरीका क्या होगा? इन्हें अरेंज करने का तरीका बहुत सिंपल होगा, एम प्लस एन अपॉन में फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन. और अगर ये दोनों सेम होते तो इंटू में 1/(2) करता, याद है? ग्रुपिंग, ग्रुप बना दे, ग्रुप ग्रुप बना करके पहले ग्रुप को, एम वाले ग्रुप को टेबल वन की तरफ उछाल दिया, उछालते वो सारे के सारे यहां बैठ गए, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि वो गोल टेबल पे बैठे थे और वो लोग एम जन थे तो उनके बैठने के तरीके होंगे फैक्टोरियल एम माइनस 1/2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, राइट है कि नहीं भाई? अच्छा, और अगर दूसरे वाले की एन की बात करता हूं तो फैक्टोरियल एन माइनस 1/2. किसी तरह की कोई भी वैचारिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार, ठीक है? अगर आप सोचें तो मैं सोचने के लिए तैयार हूं. जल्दी सोचना, जो भी सोचना हो. हाँ, मैंने कहा था ना, कोई वैचारिक प्रतिस्पर्धा जो आपके दिमाग में आए मजा आएगा सुनने के लिए. हाँ भाई, तो आगे क्या हुआ बोलो? बाई टू हटा दू, है ना? बाई टू मटा जाइए, बाई टू मिला के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर है सेम है, क्वेश्चन को ठीक कर लेना, ठीक है ना? उसमें चेंज है, ठीक है? कहने का मतलब ये कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रखा है उसने, तब जाकर आंसर आता, नहीं तो आएगा नहीं, है ना भाई? हाँ, काम की बात ये है, ठीक है ना? बहुत सिंपल है लेकिन खेल बड़ा जबरदस्त है. कितने लोगों को समझ में आएगी वाली बात, है ना ये? अरे नहीं आए, ये एक जने को समझ में आई, पता है? एक जने ने अटकड़ा किया कि हाँ मुझे समझ में आ गया. क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि पहली बात उसने ग्रुपिंग करी, एम लोगों को अलग, एन लोगों को अलग. ग्रुपिंग करने के तरीके बच्चे बच्चे जानते हैं, है ना? एक बात. दूसरी बात, एम लोगों को गोल सर्कल पे कैसे बैठाएगा? फैक्टोरियल एम माइनस वन तरीके से बैठा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, हाँ या ना? अब देखो जरा, या तो इसका कहने का मतलब यह है कि उसको किसी भी पड़ोसी के कोई भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज सिंपली लाइक ए गार्लैंड. गार्लैंड में कौन सा फूल किधर बैठ रहा है, किधर पड़ रहा है, किधर नहीं पड़ रहा, सबका डिवाइड बाई टू लगता है, ठीक है ना? इधर या तो उसका कहने का सेंस ये है, या फिर वो सीधे सीधे शब्दों में ये चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम ना हो, सेम हो, सॉरी सेम. एंटी क्लॉकवाइज देखो, चाहे फोटो को यूं देखो सेम हो. बात समझ में आई? नहीं आई? अगर आप ऑर्डर को तवज्जो नहीं देते, 2,1, 1,2, इफ इट इज वन इन द सेम फॉर यू देन डिवाइड बाय टू. नहीं आया समझ में? आया? ये और ये, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप कहते हो दोनों ही केसेस में डिवाइड बाय टू करोगे आप. अरे करना ही पड़ेगा ना. अरे 1,2 और 2,1, या तो आप टू एग्जाम्पल लो. इफ यू आर काउंटिंग देम वन तो डिवाइड बाय टू ना, ओवरऑल आंसर का एक डिवाइड बाय टू करो. अरे सोचो ना दिमाग से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो थ्रो कर रहा हूं उसको कैच करो आप. मैंने क्या थ्रो किया, मैंने आपको ये थ्रो किया, मैं कह रहा हूं 1,2 या 2,1 इज वन इन द सेम. अगर 1,2 एंड 2,1 इज वन इन द सेम
तो आप दो बार काउंट कर रहे हो ना जब आप इसको सेम नहीं मान रहे, और अगर आप सेम मान रहे हो तो डिवाइड बाई जो ऊपर वाले का आंसर है उसको डिवाइड बाई टू करोगे ना, क्योंकि ये तो सेम है। अरे आपने 1.2 लिखा फिर 2.1 लिखा तो आपके पास दो आंसर हो रहे हैं ना। बट इट इज इफ इट इज सेम 1.2 एंड 2.1 तो आपके लिए एक ही बात है ना। तो पिछले वाले का जो दो है दो बटा दो करोगे तभी तो एक दिखेगा। तो आप हर बार क्या करते हो, अगर आपका ऑर्डर सेम रहता है ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज सेम वट एवर इट इज, नॉट इन द केस ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन एनी मैनर अगर आप ऑर्डर को तवज्जो नहीं देते हो तो डिवाइड बाई टू करोगे। नहीं अरे मैं बताए क्या सोच रहा हूं, मैं बताए ये बात आज ही है ना, इसने पूछी थी मेरे से ठीक है ना, वो चेस नहीं क्या अपने कौन सी बात कर रहे थे, पत्ते फेंटने वाली बात, 52 इंटू 51 कौन पूछ गया, अरे तुमने तो पूछा था ना, नहीं अच्छा हाँ तुमने पूछा था हाँ वो याद है। बस उस समय का मतलब यही होता है क्या, देखो मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल है। मैंने एक ताश की गड्डी आपके सामने रखी कि भाई दो पत्ते उठा ठीक है ना, दो पत्ते उठा तो आपके पास 52 पत्ते ना मेरे हाथ में, दो पत्ते उठाने के तरीके क्या होंगे, 52 सी दो कोई भी दो चुन लोगे। अब मैं 52 सी दो लिखता हूं, 52 सी दो का मतलब बोलो, सही है कि नहीं, 52 सी दो का मतलब ये हो गया। अच्छा अब मैं दूसरा कहता हूं भाई पत्ता उठा एक ठीक है ना, आपने एक पत्ता उठाया कितने तरीके से उठा सकते हो, एक 52 तरीके से, कोई सा भी पत्ता उठा लो 52C1 ठीक है ना, लिख लो भाई किसी को दर्द नहीं है तो 52C1 माने 52। मैंने कहा अब इसको अपने पास ही रख या फाड़ के फेंक दे, अब दूसरा पत्ता उठा कितने तरीके से उठा सकते हो, 51 तरीके से, कहानी पकड़ में आपको, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, है ना देखो ना आंसर में तो अंतर हो गया। पत्ते आपने दो ही उठाए, क्यों, क्योंकि आपने एक एक करके उठाया, एक एक करके उठाते समय आपने ऑर्डर को प्रेफरेंस दे दी, लेकिन जब आपने दो उठाए तो ऑर्डर देखा ही नहीं, कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। हाँ तो जब आप 1/1 कर रहे होते ना तो डिवाइड बाई टू नहीं करते, कितनी मोटी बात है आप देखो, सोचो कितनी भारी काम है यार, आप सोच ही नहीं सकते कि वही दो पत्ते उठा रहे हो, मैं आपको दो अलग अलग कंडीशन में उठवा रहा हूं, दो ही पत्ते उठा रहा हूं लेकिन गड्डी में भी 50 ही बच रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के आंसर में आंसर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्डर, नोबडी केयर्स अबाउट दिस, 1.2 एंड 2.1 इज वन द सेम। भाई आपने किसी एक पत्ते पे 1 लिखा था आपने वो उठाया, किसी एक पत्ते पे 2 लिखा था वो उठाया, तो 1.2 उठाया, आप दिमाग में ये सोच के चले ना, और या फिर आप क्या सोच के चले कि नहीं मैं तो 1.2 ही उठाऊंगा, अगर पहला पत्ता 1 पहले आएगा तो उठाऊंगा, वरना अगर 2.1 आ गया नहीं उठाऊंगा, नहीं आया समझ में, आपकी कंडीशन बदल गई है। ये अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, मैंने थ्रो किया है, ये इट विल टेक टाइम, आपके दिमाग के अंदर धीरे 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 जमने लग जाएगा ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ तो अब आप में से कई लोग ग्रिप कर गए, वो जो पीएनसी जो हम लोगों ने शुरू शुरू में एक बार जो बोली थी वहां से तो फार फार बेटर, अब आपके में से कई लोग खटखट खटखट क्लिक करते हैं, ये सारी बातें उनको दिखता है, हाँ मैच हुआ, हाँ इतने मैच चले, एक का मतलब सर का मतलब जीत या हार है, अब आप में से कई लोग क्लिक करते हैं है ना, आप में से कितने लोग वाकई क्लिक करते हैं कि एक का मतलब जीत भी हो सकती है, कोई भी एक रिजल्ट है, और अगर दोनों रिजल्ट एक साथ होते तो इंटू फैक्टोरियल 2 करता कोई भी। फिलहाल इस पर आता हूं, बहुत दूर निकल जाता हूं मैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्या 12 गेस्ट वाला है ना भाई, हाँ मेरे पास तो बहुत ही अच्छी, मेरे पास तो बहुत ही मस्त ये पड़ी है ठीक है, एक रात्रि भोज में 12 अतिथि है, कितनी खड़ा कट कटाकट पढ़ने में आता है, एक रात्रि भोज में 12 अतिथि है, खट दिमाग में, हाँ रात्रि भोज 12 अतिथि ठीक है ना, देर आर 12 गेस्ट इन द डिनर नाइट, अब मजा नहीं आता यार, फील नहीं आता, सुना आगे आगे सुना मजा क्या है ठीक है ना, खाने के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का आमने सामने होना पक्का है, लो साहब बैठाए ठीक है, ये हस्बैंड ये वाइफ बैठी ठीक है। अच्छा सुनना, कितने लोगों को बैठाना पहले ही पक्का कर दो, 12 12 के लिए 6 सीटें इधर लगाई गई, बैठे भाई ज्यादा लगी
साथ हो गई है ना भाई, छह सीटें इधर लगा दी, लगा दो हाँ या ना भाई। पहली बात, दो विशिष्ट अतिथि हैं वो साथ साथ बैठेंगे, अगर दो विशेष अतिथि साथ साथ बैठेंगे कहां कहां बैठ सकते हैं, यहां 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 और यहां, कितनी जगह उनके पास बैठने की, दस। तो आपने दस जगह घेरी, फैक्टोरियल टेन नहीं, दस, याद है ना, मैं जब भी ऐसा खांचा बनाता हूं दस, फिर उनके बीच में उन्हें बैठाया फैक्टोरियल टू तरीके से, यू या यू, पकड़ में आया। अब कितने लोग बैठ गए, दो जने बैठ गए, बाकी सीटें कितनी बच गई, दस। आदमी कितने बच गए, दस। हस्बैंड वाइफ को तो बैठना पक्का है ना, मतलब उनको तो गिनो ही मत, पत्थर समझ लो इधर उधर है ना, तो फैक्टोरियल खत्म, आसान हाँ या ना। अरे बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ना, अब तो आपको मजा आएगा। अब आप डिस्कशन में जो पिछला डिस्कशन था ना वो आपके लिए हैवी था, ये आसान है बहुत। हाँ भाई अगले पे जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ भाई ये क्या कह रहे हैं, इसको जरा पकड़े। पी एन डिनोट्स द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन पीपल आउट ऑफ थ्री पीपल आउट ऑफ एन सिटिंग इन ए रो। हाँ भाई पी एन अपने आप में किसको दिखाता है, बहुत ध्यान से पकड़ना, हाँ भाई पीएन किसको दिखाता है, एन में से तीन लोगों को है ना, एन में से तीन लोगों के बैठने के तरीके दिखा रहा है जो एक साथ बैठेंगे, रो में बैठेंगे। अरे एन लोग रो में बैठे हुए हैं, उनमें से तीन चुनने हैं, देखो ना यार लिखा है, नहीं कॉन्जुगेटिव की बात नहीं चल रही, आगे वो आगे चलेगा देखना। इफ नो टू ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, माने एन में से तीन लोग कॉन्जुगेटिव नहीं बैठने चाहिए, तो जो तरीका होगा वो पीएन है। अब सुनना, पीएन अपने आप में से नौ में से तीन लोगों को कॉन्जुगेटिव नहीं बैठने देने का तरीका है। इसका मतलब अपन ने क्या किया, एन लोगों को बिठाया, तीन लोगों को खड़ा कर दिया, खड़ो के इधर आ जाओ, कितने लोग बच गए, एन माइनस तीन, उनके बीच गैप कितने हो गए, एन माइनस थ्री प्लस वन गैप हो गए, हाँ या ना, एन माइनस थ्री प्लस वन, अपन ऐसे चलते हैं, एन माइनस थ्री प्लस वन माने एन माइनस टू गैप हो गए, उन एन माइनस टू गैप में तो आप इस तीन को बैठा दो, अरे गैप में बैठाओ ना, साथ नहीं बैठेंगे वो तीन जाने कभी भी, वो तीन जाने है ना नहीं बैठेंगे, क्यों, आपने तो गैप में बैठाया ना, तो उनको बैठाने के तरीके कितने हो गए, एन माइनस थ्री प्लस वन सी थ्री, कहानी पकड़ माई, ये आपका पी एन बन गया। कितने लोग वापिस रिपीट दे सकते हैं, क्या क्या किया मैंने, एन लोग बैठाए, तीन को बाहर बुला लिया, बच्चे कितने रह गए, कितने गैप हो गए, एन माइनस थ्री प्लस वन, उनमें कितने गैप में बैठाए, गैप में तीन जनों को बैठा दिया, बैठ गए, ये पीएन है। अब आगे सुनना, आगे क्या कहता है, अच्छा ये इसकी रीच में आते ही पकड़ लेता है इसको, और मैं बाकी चिल्ला रहा हूं बाकी ने, हाँ भाई आगे क्या है, आगे कहता है ना, एन क्यू इज द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर व्हेन दे आर इन द सर्कल, सेम बात है ना सर्कल के लिए, सेम बात आपको पता होना चाहिए, ये लाइन में कॉन्जुगेटिव होने का तरीका है, लाइन में नो कॉन्जुगेटिव का खेल है, ठीक है ना, लाइन में नो कॉन्जुगेटिव। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें अपन ने टेबल तोड़ी थी, वो मैंने आपको सिखाया था सर्कल में कॉन्जुगेटिव ना बैठने देने के तरीके, तो सर्कल में कॉन्जुगेटिव ना बैठने देने के तरीके थे, ठीक है ना, क्यू एन इज इक्वल टू में ये चीज तो ऐसी कैसी, और माइनस में दो एंड वाले लोग कम कर दूं, तो यहां कितना हो जाएगा, एन माइनस ये एन माइनस दो है, इसमें से भी दो उठा लो, याद है ना एंड गैप वाले दो जहां बैठते स्पार्क हो रहा था, अरे टेबल तोड़ी सीधा किया, एंड गैप पे दो आदमी बैठ गए, जब जोड़ा तो उन दो को हटाना पड़ गया, तो दो दो कम कर दिया, एन माइनस दो में से दो कम किया एन माइनस चार, और यहां पे सी इसमें दो कम कर दी एक, ये आपका क्यू एन है। अब ये में से ये घटाओ, ये में से ये घटाते ये माइनस और ये और ये कट गया, हाँ या ना, ये कैसे बच गया प्लस का, और ये अपने आप में कितना दे रखा है छह, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, कितना आसान है, अरे यार आसान नहीं है तो चलो कम से कम ये तो है कि हाँ देखा तो है, हम तो इससे तो बिगड़े ही नहीं, साइफर वाले क्वेश्चन हमारे देखे हुए कहीं ना कहीं, ये और बात है हमें ये नहीं पता था कि साइफर माने जीरो होता है, लेकिन अब तो पता है ना डिस्कशन के बाद। अगले बार जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गुडवर्ड, ये गुडवर्ड बैडवर्ड आप अपने आप देखना। हाँ भाई अगला क्या है, छह मैरिड कपल है वही है ना, क्या ख्याल है, अब तो आता है छह मैरिड कपल को, मैं तो चार को, हाँ ये सारे क्वेश्चन करवा रखे अपने, हाँ नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ, ये ऑप्शन है या क्या है ये, ठीक है ये क्वेश्चन है सारे, हाँ ऑप्शन नहीं है ये, ऑप्शन है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है ये,
हाँ मैं तो एक बार धक्के दंग रह गया, मैंने कहा इतने सारे ऑप्शन, लोगों को चार को चुनना है, पहले बता सी कैसे चुनू, ठीक है। हाँ भाई ये आता ही होगा आप तो, छह में से चार के तो अपन ने बिल्कुल पीएचडी कर ली थी, आ जाओ। अच्छा हाँ भाई, अच्छा अच्छा ये 50 कॉलेज टीचर्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कृपया आज के लिए क्षमा करें, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है पूरी तरह से। वेन डायग्राम के कुल मिलाकर के मेरे पास में दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक आक्षी सीपीएस वन का और एक ये, मेरे पास दो क्वेश्चन आपके ड्यू चल रहे हैं, ड्यू आपको याद नहीं है, मुझे याद है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं करवा रहा हूं मैं अभी भी। हाँ भाई अगले पे जाओ, ये क्या पागल है क्या, क्या है इसको, चक्कर क्या है, इसके दर्द क्या है। हाँ भाई आगे सुने, बहुत बकवास क्वेश्चन है, काउंटर अवेलेबल है एक्स विभिन्न रंगों वाले, काउंटर, अरे जैसे अपने काउंटर पे जाते ना, है ना, काउंटर वाले काउंटर है ना, सोच लो छह काउंटर हैं, कितने काउंटर है, छह काउंटर है। अच्छा आगे सुनना, सारे काउंटर एक जैसे हैं, बस सिर्फ कलर कलर में फर्क है, कोई पीले रंग का काउंटर है, कोई हरे रंग का, कोई लाल रंग का, कोई व्हाइट कलर का, ऐसे काउंटर है ना भाई। अच्छा और ये भी नहीं, के काउंटर है ना, हरे रंग के 10 काउंटर है, ऐसे अलग अलग काउंटर के खूब सारे काउंटर हैं, अलग अलग रंगों वाले खूब सारे काउंटर हैं, ये भी आगे पढ़ने में मिलेगा। देखो अभी कहां लिखा है ये, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वाई काउंटर्स, मतलब कहने का मतलब ये कि सारे के सारे काउंटर, जैसे पीले रंग के कितने काउंटर हैं, पीले रंग के 3 काउंटर हैं, हरे रंग के भी 3 है, लाल रंग के भी 3 है, सबके 3-3 काउंटर है, 6 काउंटर थे, 6 रंग थे हमारे पास, हाँ या ना, और हर काउंटर के, हर कलर के काउंटर के 3-3 काउंटर हैं, तो टोटल कितने काउंटर हो गए, अरे 6 की पावर 3 नहीं आया समझ में, अरे आप ऐसे नहीं गिन रहे, माने मैं कितने तरह से काउंटर बना सकता हूं ये सोचो आप, मैं काउंटर बनाऊंगा ना अभी मैं, नहीं आया, अरे हर कलर के 6 काउंटर्स, अगले कलर के फिर 6, अगले के फिर 6, तो 3 तरह के काउंटर है ना, 3 काउंटर को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, मान लो मेरे को अगर बाय द वे एक काउंटर बनाना है तो मेरे पास 6 ऑप्शन है ना, तो पहले को भरने के 6 तरीके, अगले को 6, अगले के 6, है ना, तो 6 की पावर 3 तरीके से मैं काउंटर बना सकता हूं, माने 6 की पावर 3 माने 216 अलग अलग काउंटर संभव है 3 वाले, जो मेरे पास 6 अलग अलग कलर्स हो, ठीक है ना। लेकिन उसने मना किया है कि यार ऐसा मत कर देना कि आप तीनों काउंटर एक कलर के बना दो, है ना भाई, तो 3 काउंटर एक कलर के कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 तरीके से, तीनों काउंटर तीनों एक जैसे हैं, 3 आपने पूछा कितने कलर के हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है ना, जो 6 है ना वो तो हमारा था x, ठीक है, और जो y था वो हमारा था 3, तो मैंने कहा टोटल कितने काउंटर बन सकते थे, 6 की पावर 3, उसमें से गड़बड़ क्या होता था कि सारे काउंटर ये तो विभिन्न रंगों के बनते ना, इतने तरह के कॉम्बिनेशन से बन सकते थे, लेकिन गड़बड़ क्या होता, तीनों एक ही कलर के हो जाते, हाँ या ना, तो हटा दो उसको, बाकी सारे जो भी बचेंगे वो सारे काउंटर बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट वाले, है ना। तो अगर इसको x और y में बदलू तो x की पावर y माइनस y, राइट भाई, तो लिख लेना, क्या लिखना है इसमें, लिख लेना टोटल माइनस ऑल काउंटर्स ऑफ सेम कलर, बस इतना से लिख लेना, बाकी थोड़ी सी वैचारिक क्षमता दिखाओगे तो हो जाएगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, देर आर पी प्लस क्यू डिफरेंट बुक्स, ओ बहुत यार ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ओ क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 11 या 13, 13, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है। हाँ साहब आइए, हालांकि दिखने में ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा बहुत ही बकवास था, अगर हिंदी में अलग अलग हो, हाँ हिंदी में अवेलेबल है, मैं दिखाता हूं, देखो हिंदी में पढ़ के दिखाता हूं, हिंदी में, ठीक है ना साहब, कितना अच्छा लगेगा, सुकून आएगा आपको। माना गणित की अलग अलग विषयों में पी प्लस क्यू बुक्स हैं, किसकी है, मैथ्स की, कितनी बुक्स हैं, पी प्लस क्यू बुक्स हैं, सिंपल है कि नहीं, अपन आमजन की भाषा में ऐसे बात करते ना कि मैथ्स की कितनी कितनी बुक्स हैं भैया अपने पास, पी प्लस क्यू बुक्स हैं, राइट है भाई। अच्छा और क्या बोलता है वो कि एल जो है वो क्या है, एक्स और वाई में इन किताबों को बांटने के तरीके हैं, दोबारा सुनना क्या बोला मैंने, एल कौन है, एक्स और वाई दो जने होंगे कोई, उनमें अपने किताबें बांट रहे, उन्हें बांटने के तरीके, ठीक है ना, तो अब सुनना जरा, और उसमें भी क्या L किस मेथड का नाम है, जब X को P मिले और Y को Q मिले, राइट है भाई। अच्छा L को P मिले
तो सोचो अपने पास कितनी, अपने पास ढेर पड़ा हुआ है, टोटल कितनी बुक्स है हमारे पास, पी प्लस क्यू। तो हम लोग एल के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम लोग पहले एक्स को बुलाया है ना, पी प्लस क्यू के दो हिस्से करें कि भाई एक्स तू पी ले जा, है ना, तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें से पी अलग कर दूं, अरे हाँ या ना, तो पी प्लस क्यू में से पी अलग करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल पी प्लस क्यू सी, हाँ सी पी नहीं आया, पी चुन के दे दिया। अच्छा आप बताओ कितनी बच गई, क्यू बच गई, और फिर क्यू किताबें किस में बांटनी थी, वाई में, क्यू में से क्यू बांटने के तरीके क्या हो गए, क्यू सी क्यू, क्यू सी क्यू माने वन, हाँ या ना। अब बताओ जरा इसका, इसका वैल्यू बोलो कितना होता है, फैक्टोरियल पी प्लस क्यू अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू, हाँ या ना, अरे 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 देखो ना, सोचो ये तो है ना आंसर, एज सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अब जरा दूसरा वाला सुनना, मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोलता हूं, सेकंड सुनना, सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई, बार बार पढ़ना, ये किताबें एक्स और वाई में बांटी जा रही है, ठीक है ना, जिसमें एक क्या बोला, एक कोई एक एक्स या वाई, कोई एक पी किताबें और कोई एक क्यू किताबें लेके जाएगा, माने यू आर नॉट श्योर कौन लेगा, है ना, तो क्या हो गया देखो जरा, है ना, एक्स ने अगर पी किताबें ली, एक्स ने अगर पी किताबें ली होती तो सेम रास्ता बनता, एक सेकंड दोबारा बोलता हूं सुनना भाई, क्या बोला मैंने, अगर एम की बात करी जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, पी प्लस क्यू किताबों में से, है ना, पी किताबें एक्स को बांटूंगा, ये मैंने किसको बांटी, एक्स को, और फिर बची हुई किताबों में क्यू में से क्यू बांटी किसको, वाई को, या मैं क्या करता, या भी तो हो सकता था, उल्टा, उल्टा क्या होता, उल्टा होता कि मैं पी प्लस क्यू में से पी किताबें किसको बांट बैठता, वाई को, और फिर बची हुई क्यू किताबों में से क्यू किताबें किसको बांट डालता, एक्स को। तो क्या आपको पता है ये और ये सेम है, और ये तो वन है भाई, इसको तो भूल जाओ, तो इसका मतलब मैं कितनी बार लिख गया एक ही चीज को, दो बार, है ना दो बार लिख दिया, तो लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं दो इंटू में कितना, पी प्लस क्यू सी पी, हाँ या ना, इसका मतलब सुनना, इसका मतलब m बराबर, ये अगर m है तो m बराबर 2l, अरे सोचो ना m बराबर 2l, हाँ या ना, तो कहना मतलब पहली बात ऑप्शन सी सही जा रहा है, और ऑप्शन सी ही सही जा रहा है, एक ही में m बराबर 2l है, नहीं आया, तो बाकी तीसरे को तो अपन जुगाड़ के जबरदस्ती बैठा देंगे, हाँ या ना, कि एन तो यही होगा, है कि नहीं, तू दुगना है, तेरी किस्मत में लिखा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है ना, वो तो अपन बना देंगे कैसे भी करके। अब आया आपको समझ में, है ना, प्लीज डोंट थिंक कि मैं आपसे लेक्चर में नहीं आ रहा, नहीं आने दो, मैं आपसे बार बार, कई बार साल में कई बार अनुरोध कर चुका हूं इस बात को लेकर के, ठीक है, दूसरे टीचर जब भी आपके बीच में आते हैं तो वो यही फील करते हैं, और अच्छा नहीं आता कि 11 के बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली, है ना, कम जवाब देते हैं, ठीक है ना, जवाब क्यों कम देते हैं, पता नहीं क्यों ना कम देते हैं, नहीं दिया आज तक इसलिए नहीं देते होंगे, बाकी आपको अपने आप से उम्मीद हो चाहे नहीं हो, मेरे को बहुत है आपसे, नहीं मेरे को बहुत उम्मीद है, आप में से कई लोग निकलेंगे अभी, स्पार्क चलेगा उनका, चलो आगे बात करते हैं, है ना भाई, आगे जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, खरगोश क्वेश्चन यही है ना, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, हाँ या ना, अब आपको सर खरगोश कहां दिख गया, इसमें दिख गया मेरे को, आप में से किसी को अगर याद ना हो तो मैं एक याद दिलाता हूं, 10 चीजों में से 10 एक चीजें एक जैसी बैठी हैं, 20 एक जैसी बैठी हैं, मेरे को 10 निकाल के लानी है, तरीके क्या होंगे, इन 10 में से 10 निकाल लाऊं और 20 में से 0 लाऊं, याद है, या 10 में से 9 लाऊं और 20 में से 1 लाऊं, हाँ या ना, और ये चलते चलते कहां तक जाके रुकेगा, या तो फिर मैं 10 में से 0 लाऊं और 20 में से 10 लाऊं, हाँ 20 में से 20 नहीं, 20 में से 10 लाऊं, हाँ या ना, तो इसका बनाने का टोटल तरीका मतलब होता है 30 सी 10, याद है, 30 में से 10 चीजें लेके आया भाई कमरे के बाहर आने के बाद, वो तो मैं कमरे में तो मैं घुसा था ना, जो मुझे x चीजें एक साथ दिखी और 20 चीजें एक साथ दिखी, बाहर वाली दुनिया के लिए तो ये था भाई 30 में से 10 ढूंढ के लाए, नहीं आया तो मैं 30 में 10 लाया हूं, वही तो बात ये कह रहा है, कंप्लीट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। अब ये लड़का लड़की बोले कुछ भी बोल दे,
ठीक है, हमारे लिए एक कबाड़ था एक कमरे के अंदर, 40 जनों का एक कबाड़ था, 60 जनों का एक कबाड़ था, हम इतने लोग लेके बाहर आए, नहीं आया, आया आया, ठीक है। हाँ भाई ये क्वेश्चन मैच द कॉलम, बहुत चंपू क्वेश्चन है, आप में से कई लोग बस सिर्फ मैच द कॉलम जिंदगी में नहीं लगाए, आज तक का रिकॉर्ड है सर, है ना, कभी जिंदगी में मैच द कॉलम टच नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, डर मतलब मर के भी नहीं करता सर मैं, ठीक है ना, तो बात और है। बाकी अगर देखा जाए तो कितना सिंपल है, देखो जरा इसका ए पार्ट देख करके आपका कईयों का हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सुनना, एक प्लेन है उसमें 8 पैरेलल लाइनें हैं, आगे सुनो, और वो एन पैरेलल लाइनों से इंटरसेक्ट होती हैं, अच्छा ठीक है, हो रही होंगी इंटरसेक्ट, 8 यो लाइनें याद है, ये 8 लाइनें और एन पैरेलल लाइनों से इंटरसेक्ट हो रही है। अगला क्या कह रहे हैं, कितने पैरेलोग्राम बनते हैं, किसी को याद है, हाँ 8 में से 2 पकड़ो और n में से 2 पकड़ो और कितने पैरेलोग्राम बता रखे हैं, 1260, कौन नहीं बता सकता n, और अगर आपको बताएं आपका a बन गया तो आप कैसे भी करके b बनाओगे, क्योंकि आपको इतना अच्छे से इस चीज का अंदाजा है, क्या कोई भी दो सेट बैठ गए ना अगर ऑप्शन में तो बाकी तो आप जबरदस्ती बैठा दोगे, बैठ जा चुपचाप, हाँ या ना, क्योंकि नियर बाई है खेल, हाँ या ना। देखो आप जरा दूसरे के ऊपर देखो, इसमें बी पे मेहरबानी करो, देखो आपके बी पे मेहरबानी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या आपको बी समझ में आता है क्या, आओ बी बनाते हैं, बी क्या कहते हैं, एन माइनस वन पी थ्री, एक सेकंड पी थ्री इतने पे बात करते हैं, पहले कितने लोगों को याद है एन माइनस वन पी थ्री का मतलब होता है एन माइनस वन सी थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री, हाँ या ना। एक बात, दूसरी बात मान लो ये याद नहीं सर मुझे तो डायरेक्ट याद है, अरे डायरेक्ट तो हमारे लिए, तू तो बहुत ईमानदार आदमी यार, एन माइनस वन अपॉन में कितना, एन माइनस वन माइनस थ्री, खत्म। अच्छा ये कर देंगे तो सोच एन पी फोर का मतलब क्या होगा, सर मैं बताऊंगा, बताओ क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन में नीचे कितना, बस हाँ या ना, थोड़ी देर बाद पलटेगा ये, इसको मारेगा वो, उसको मारेगा, जो बचेगा वो सामने वाले से लड़ लेगा, हाँ या ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब बोलो आप और क्या चाहिए आपको। और देखो डी, नंबर ऑफ साइफर्स जीरो, आपको पता है जीरो कैसा आता है मार्केट में, 10 से, और 10 कैसा आता है, 5 इंटू 2 से, और मैंने कहा था 5 इंटू 2 में मैं किसकी डिग्री देखूं, 5 की, तो 5 की डिग्री देखने के लिए वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाई पी, एन बाई पी का स्क्वायर, एन बाई पी का क्यूब, करा था यार, करा तो था, फिर आपको याद आएगा, बनेगा ही बनेगा, याद आ गया ना, याद आ गया तो याद ही आएगा, फिर तो क्यों नहीं याद आएगा। हाँ भाई अगले पैदा, आप तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, कहाँ आ गया मैं, अरे नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 21,000 216,000 वही है क्या, तो बिल्कुल ही भटक गया, हाँ भाई आ जाओ, क्या तकलीफ है, हाँ भाई कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर याद है, इवन डिवाइजर में प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन डिवाइजर, ओके हाँ भाई कैसे निकाले प्रोडक्ट को, सबको जोड़ दूं तो सबको गुणा कर दूं, अच्छा सबको गुणा कर देते हैं अपन, अच्छा देखो जरा ये कितने हैं ये बताओ, 12 है, 12 है ना, 12 12 कौन कौन से 12 हो सकते हैं, आओ सोचते हैं, आंसर 64 है, हाँ वही तो मैंने कहा 64 तो हो ही नहीं सकता, 64 तो एक तरफा दो, मतलब दो के सिवा खेले ही नहीं किसी ने, सोचो मजा आएगा क्या, मैं क्या सोचने करो 12 है ना, कौन कौन से 12 है, आओ ढूंढते हैं क्या क्या हो सकते हैं, देखो जरा मैं दिखाता हूं आपको, आज मैं दिखाता हूं आपको, पहला 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 एक डिवाइजर, अगला डिवाइजर हो सकता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, अगला हो सकता है 2 की पावर
एक इंटू पांच की बार दो, तो सोचो जरा, फिर एक से और चलते हैं, इंटू दो की बार एक इंटू कितना पांच की बार तीन, और तो कुछ नहीं हो सकता दो की बार एक के साथ, हाँ है ना। तो टोटल में से अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो यहां से आता कुछ कॉमन आ रहा है ले लो ना, क्या दो दो सिर्फ दो नहीं ना, ऐसे मत करो यार, कॉमन तो आप लोग हैं, कॉमन तो हम गुणा में ले रहे हैं कॉमन, दो की बार चार, अरे यार गुणा में कॉमन ले रहे हो, नहीं आया। और इंटू में पांच की पार बोलो जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, हाँ है ना, तो दो पांच की बार छह, ये तो दो की बार एक वाला, फिर दो की बार दो वाले, तो दो की बार दो वाले भी कितने होंगे, दो की बार दो वाले कितने हो जाएंगे, दो की बार दो, हर बार दो की बार दो कॉमन आएगा चार बार, तो दो की बार कितना हो गया, दो की बार चार इंटू दो, दो की बार आठ, और इंटू में पांच की बार फिर से वही छह, जीरो एक दो तीन चार, नहीं आ रहा समझ में आया। फिर इसी प्रकार दो की बार तीन वाले, तो तीन इंटू चार बारह, तो आपको करना क्या है, थोड़ा भी समझदार हो तो पांच की बार छह हर बार आ रहा था, तो पांच की बार छह कुल मिलाकर तीन बार बाहर आएगा, सबकी गुणा कर लेना आंसर आ जाएगा, परेशान मत होना। कौन सा दो, सारे दो दो ना रे, दो एक बार ही चढ़ता है, एक टाइम पे एक बार, एक बार लिख लो फिर दिमाग लगाना दिखेगा, दो की बार आठ कैसा है वो दिखाता हूं, देख ऐसे अगला डिवाइजर होगा दो की बार दो इंटू पांच की बार जीरो, फिर अगला डिवाइजर होगा दो की बार, ये एक डिवाइजर है, दो की बार दो इंटू पांच की बार एक, एक डिवाइजर, फिर दो की बार तीन इंटू में पांच की बार दो अगला डिवाइजर, फिर हाँ 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 दो की बार दो, दो की बार दो इंटू पांच की बार तीन अगला डिवाइजर, ये दो की बार दो वाले डिवाइजर हैं, अलग अलग पांच के साथ में बनते हुए सेट, राइट है। तो कुल मिलाकर के पांच की बार कितना हो गया, पांच की बार छह इंटू में दो की बार कितना हो गया चार, चार बार है ना, तो दो की बार आठ हो गया, ऐसा जब आप गुणा करके चुकोगे तो आपके अब कितना सेट कितना बन गया, दो की बार एक का सेट देख लिया, दो की बार दो का देख लिया, दो की बार तीन का देखना बस खत्म, क्या है ना, फिर सबकी गुणा करना और अपने आंसर की गुणा करना, ठीक है, मिला लेना सेम मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा ये। हाँ भाई अगले बात हो, लेट एम डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच फोर डिफरेंट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोर 10% ईच रिसीविंग डिंग डिंग डिंग, अच्छा अच्छा चलिए बात करते हैं इस पे ना हिंदी में, आओ मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं, पहले पढ़ू, एम चार डिफरेंट बुक्स में से, एम क्या है, मैं बिल्कुल एकदम जो लिखा है वो पढ़ता हूं, एम क्या है, चार विभिन्न किताबों को 10 व्यक्तियों में बांटने के तरीके हैं, अच्छा दिमाग लगा एक मिनट, ये भी क्या है, इसको एक मिनट हिंदी में पढ़ू सर, है ना, हिंदी में पढ़ रहे हैं सर, एम क्या चीज है, नंबर ऑफ वेज है, कौन से वाले के नंबर ऑफ वेज है, जिसमें आप चार किताबों को, चार किताबें नहीं, चार डिफरेंट बुक्स, अच्छा सर डिफरेंट होने से कोई फर्क पड़ता है क्या, अभी पता चलेगा, चार डिफरेंट बुक्स है ठीक है ना, उसको कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है, चार डिफरेंट बुक्स को 10 लोगों में बांटने के तरीके हैं, राइट है भाई, चार डिफरेंट बुक्स को 10 लोगों में बांटने के तरीके हैं, अच्छा, और फिर अगला आगे क्या पार्ट क्या कहते हैं, और एन जो है ईच रिसीविंग नन एंड वन ओनली, नन एंड वन ओनली कहने का मतलब हाँ एक से ज्यादा ना मिले, अच्छा आगे कह रहे हैं लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ वेज, अच्छा लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ बुक्स आर अलाइक, हाँ भाई एन यही चीज है सेम, लेकिन अब की बार बुक्स कैसी है, चारों बुक्स आइडेंटिकल है, राइट है भाई, अच्छा हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया जमाना, आपने क्या किया 10 में से पहले चार किताबें चुनी, क्यों 10 में से चार किताबें हैं क्या, आदमी है, अच्छा चार तो किताबें हैं और 10 लोगों में, हाँ तो सोचो देखो 10 में से पहले चार आदमी चुन लिए, राइट है भाई, अगर अपने 10 में से चार आदमी चुन लिए तो देखो चार आदमी आगे आगे, अच्छा अपने को क्या करना है, हर एक को या तो कुछ ना दो या एक दो, अब अपने क्या चार आदमी अपने सामने खड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं विजुअलाइज करना, अपने पहले आदमी को बुलाया, हमारे हाथ में कितनी किताबें
चार, तो पहले आदमी के पास कितनी चॉइस है? चार, राइट है भाई, उसको मैंने चुन लिया है। अब मैं आगे बोला रहा हूं, पहले आदमी के लिए कितनी चॉइस? चार। फिर अगले आदमी के, उसको दे दी एक किताब, उसको दे दी एक किताब, उसको देने के बाद मैं अगले आदमी के लिए कितनी चॉइस है? तीन। उसके बाद अगले के लिए कितनी? दो। उसके बाद अगले के लिए कितनी? एक। तो 10^4 × 4 है ना, एक। अच्छा, लेकिन एन में क्या तरीका है? दस में से आपने चार को बुलाया और चारों किताबें एक जैसी हैं, तो उसके लिए चारों किताबों एक जैसी हैं, एक ही चॉइस है हर किसी के लिए, तो हर किसी के लिए चॉइस क्या होगी? पहले के लिए एक, अगले के लिए एक, अगले के लिए एक, अगले के लिए एक। नहीं है, सबके पास एक ही जैसी है सारी किताबें, कोई भी उठा ले यार, तू आइडेंटिकल है ना, कोई सी भी किताब उठा ले, सबके लिए एक ही तरीका है। ठीक है, तो एक का आंसर ये हो गया, तो इसका 4m हो गया, 24m जो भी है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच, हाँ मिल गया, नहीं 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 नहीं, नन और वन का मतलब है कि आप या तो किसी को दो नहीं, दो ही नहीं, हाँ, लेकिन आपको 10 में से चार किताबें बांटनी है और चारों किताबें डिफरेंट है, इसका मतलब आप 100% जो भी बुक्स आप बांटने वाले हो वो तो देख ही रहोगे। अगर चार आज बच्चों को आपने आगे बुला लिया तो आप सोचो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना दिए निकल जाओ। वो जो कहना चाह रहा है वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आप एक से ज्यादा किताबें ना दो, ताकि हर एक किसी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कोई सेल्फ खाली ना रहे, ठीक है ना, ये है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच, यही है ना, एंड लेडीज एंड एंड जेंटलमैन एट ए राउंड टेबल सो दैट टू लेडीज और टू जेंटलमैन मे नॉट सिट नेक्स्ट टू वन अनदर, अच्छा अच्छा, सो दैट दो लेडीज और दो जेंटलमैन, दो लेडीज और दो जेंटलमैन, हाँ तो क्या तकलीफ भाई, हाँ सेट देम अल्टरनेटिवली, उनको अल्टरनेट बैठा दो आप, एक एक लेडी एक जेंट्स, कैसे अल्टरनेट कैसे बैठाते हैं बताओ, अल्टरनेट कैसे बैठाएंगे, आंसर बोलो कोई, क्या आंसर होगा? आपके पास में कितनी लेडीज हैं? लेडीज कितनी हैं और जेंट्स कितने हैं? दोनों एन एन है ना भाई, एन और एन है, तो अपने क्या किया, सर्कल है, सर्कल पे पहले किसको बैठा दिया? लेडीज को, लेडीज आप बैठ जाओ, लेडीज के बैठने का तरीका, बैठ गए भाई, हाँ है ना, सपोज करो ये लेडीज बैठ गई, राइट है भाई। इस क्वेश्चन में एक लफड़ा है वो भी ठीक कर लेना, ये टू लेडीज एंड टू जेंट्स नहीं है, इसे लिखिएगा नो टू लेडीज एंड नो टू जेंट्स, ठीक है ना, नो टू लेडीज एंड नो टू जेंट्स, है ना, पहले तो ये करेक्ट कर लो आप, ताकि कहने का मतलब ये रह जाए, क्या नोट दे दिया, कहां लिखा है, हाँ हाँ, लेकिन दो लेडीज और दो जेंट्स का मतलब होता है वो कोई दो लेडीज और दो जेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो एक साथ नहीं बैठने चाहिए, यहां नो टू लेडीज, कोई भी दो लेडीज कोई भी दो जेंट्स साथ में नहीं बैठेंगे, खत्म बात, ठीक है ना, इसका मतलब सारे अल्टरनेट बैठेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं है, कहानी खराब है, हा ना, हाँ ये जरूर क्लियर कर लेना, नो टू लेडीज। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या किधर जा रहा था, अपने एन लेडीज को बैठा लिया, अपन बीच में ना रुक रहे हैं, ध्यान से सुना, एन लेडीज को बैठा लिया पहले, अब एन लेडीज में गैप कितने हो गए, एन लेडीज में एन गैप हो गए, और एन गैप में एंड जेंट्स को बैठाना है, कितने तरीके से बैठाऊं, फैक्टोरियल है, ये आंसर हो गया, कहानी पकड़ में आई, हम ऐसे बात कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूं वैसे कॉपी में, ठीक है ना, हाँ मैंने कोई एक क्वेश्चन में ऐसा जरूर कराया है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए टीम ऑफ एट स्टूडेंट्स गोज ऑन एन एक्सकर्शन, नहीं नहीं इसे ऊपर भी तो रह गया, द नंबर ऑफ, अच्छा ऊपर भी है, हाँ देर आर सिक्स पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल, हिंदी में बोलो इसका क्या मतलब होता है, एक एक स्कूल है उसमें छह क्लासेज रोज की लगनी है, छह क्लास लगेंगी रोज की, है ना भाई, हर वर्किंग डे पे, आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, नंबर ऑफ वेज इन विच फाइव सब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड, क्या 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 करना है, आप एक क्या हो, आप एक कोई प्राइम, आप एक हेडमास्टर हो और आपको क्या करना है, टाइम टेबल अरेंज करके देना है, ठीक है, और आपके आपके क्लास में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पांच, पांच सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और कितने क्लास का टाइम टेबल बनाना है, कितने का, छह का, और टॉपिक कितने, पांच, पांच का छह में कैसे करोगे, नहीं इसका मतलब कोई एक टॉपिक दो बार पढ़ा जाएगा, नहीं आया समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो देखो जरा कितने पीरियड, कितने छह, छह पीरियड में से कोई दो पीरियड सेम आएंगे, हाँ या ना,
तो आप पहले चुनोगे ना कौन सा दो पीरियड सेम रख रहे हैं, लगातार वाले, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट। तो छह में से पहले आप दो का चुनाव कर लो, जिन दो में वो सेम पढ़ेंगे, जिन दो में बच्चा एक ही टॉपिक पढ़ेगा दो बार, राइट है भाई। लेकिन क्या पढ़ेगा अब उसका चुनाव करो। तो आपके पास में कितने टॉपिक हैं? पांच। पांच में से कोई एक ही टॉपिक तो दो बार पढ़ेगा, तो इन दो में पांच से एक। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आ रही। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये छह कौन है? छह पीरियड है, दो कौन है जिनमें एक जैसा पढ़ेगा, फिर पांच से एक कौन है? पांच टॉपिक हैं जिनमें से कोई एक टॉपिक आपने चुना है कि ये दो बार पढ़ेगा भाई बच्चा, है ना भाई। अच्छा और क्या है, और क्वेश्चन के अंदर कुछ रह गया क्या, है ना? और इज इट अलॉटेड दैट एटलीस्ट वन पीरियड, ठीक है ना, और हैज नो पीरियड रिमेन्स वैकेंट, इसका मतलब बाकी सबको अरेंज करना है। आपके पास कितने टॉपिक थे? पांच। पांच में से एक टॉपिक वो दो बार पढ़ गया, इसका मतलब बची हुई क्लासेस कितनी रहेगी? चार। तो चार क्लासेस में चार टॉपिक को पढ़ाने के तरीके, इंट्रो वेक्टोरियल फोर हो गए ना, इनको अरेंज कर दिया मैंने। ये रे ना, छह में से दो को पकड़ा, पांच में से दो ये टॉपिक है, ये दो बार पढ़ा जा रहा है, और बाकी बच्चे चार टॉपिक चार पीरियड में पढ़े जा रहे हैं। छह के छह पीरियड भर गए पूरे, नहीं है कहानी पकड़ में आई? मेरे साथ रहना, देखो दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, हल्का हल्का ही सही, लेकिन अब स्लॉट पढ़ने लग गए आपके दिमाग में। अगले पे आओ, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ वन और मोर क्वेश्चंस, यही है ना? अरे अरे साथ रहो, दिखेगा ये तो और भी जबरदस्त है, और भी जबरदस्त। क्या क्या कहता है जरा पढ़ के बताओ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ वन और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 10 गिवन क्वेश्चंस। एक मिनट, क्या मतलब, कितने कितने क्वेश्चन दिए गए? 10 क्वेश्चन दिए गए। आपको क्या करना है? एक मिनट, मैं भूल रहा हूं बार बार, एक या अधिक क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है, कितने में से? 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 क्वेश्चन का सेट आया, 10 क्वेश्चन के सेट में से आप एक या अधिक क्वेश्चन चुनने वाले हो। अब क्या किस लिए चुनने वाले, वो पढ़ो, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन है वन अल्टरनेटिव, ठीक है। अरे ये क्या है सर, क्यों करवा रहे हो? पहले एक सेकंड कहानी पे चलो, ऐसे एक जानबूझ के कहानी रचते हैं। कहानी क्यों रचेंगे, तो पता कैसे चलेगा कहानी क्या है। सपोज करो मेरे को किसी ने 10 क्वेश्चन की एक लिस्ट भेजी, राइट है भाई। उन 10 क्वेश्चन की लिस्ट में मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक पेपर बनाना है। क्या बनाना है? पेपर बनाना है। अब जरा दिमाग लगाता हूं, देखो जरा, पेपर बनाना है जिसमें सीन क्या है, कहां भाग गया रहे क्वेश्चन। हाँ भाई, ये कह रहे हैं हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब समझते हो आप, अपने पेपर में आता है ना, जैसे या ये या वो, हर क्वेश्चन के ऐसे अल्टरनेट है, सही ना भाई, ये और वो, है ना। अब जरा समझना, इसका मतलब 10 के 10 क्वेश्चन के अल्टरनेट है। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन डैश, क्वेश्चन टू डैश, क्वेश्चन थ्री डैश, और ऐसे मेरे को एक पेपर बना के देना है ना। और मुझे क्या करना है, मेरे को ये ऐसा नहीं करना कि ऐसा हो जाए कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ही फाड़ के फेंक दे पेपर को, राइट है भाई। अच्छा, अब क्या करना है? नहीं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर क्वेश्चंस, वन और मोर, एक या ज्यादा, एक सेकंड, सुनना, मेरे पास में पेपर आ गया है, ठीक है ना, सुना, बहुत ध्यान से देखना। अब आपको दिखाता हूं, मैं पूरा सीन दिखाता हूं। सीन क्या, वो देखो आप, एक पेपर भेजा किसी ने, एक पेपर पे बना करके मेरे को हर क्वेश्चन का क्वेश्चन वन डैश, क्वेश्चन टू डैश, राइट है। और मेरे को 10 क्वेश्चन का एक पेपर बनाना था, 10 क्वेश्चन का एक पेपर बनाना था। तो मेरे पास में हर क्वेश्चन को चुनने के तरीके कितने? दो, और न चुनने के एक तरीका, सही है कि नहीं? हर क्वेश्चन को चुनने का दो तरीका, न चुनने का एक तरीका, और ऐसा मैं कितनी बार कर सकता हूं? 10 बार। लेकिन फिर भी मैं -1 कर रहा हूं, किस चीज का -1 है कोई बताओ? कल को मैंने एक भी नहीं चुना, इन दोनों में से एक भी नहीं चुना, दो को चुनने के तरीके और एक ना चुनने के तरीके, और ऐसा मैंने 10 के 10 क्वेश्चन के साथ किया। ऐसा नहीं, इसको यूं भी देख सकते थे आप, पहला क्वेश्चन चुनने के तरीके दो, ना चुनने का तरीका एक, फिर दूसरा क्वेश्चन चुनने के तरीके दो, ना चुनने के तरीके एक, है ना, और ऐसे 10 बार किया 2+1, लेकिन फिर लास्ट में एक -1 कर दिया। कल को ऐसा होता मैं इनमें से सारे ना चुनता तो वो वाला -1 याद आया, कहीं किया ऐसा सब कुछ, वो ए, हाँ एप्पल मैंगो ऑरेंज याद आया आपको, उनमें ये तो किया था हमने। अब दिखने लग गया, थोड़ा थोड़ा दिखा, हाँ क्वेश्चन देखा, चुनना ना चुनना,
बैठा भाई, अगला 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 बैठो। नहीं मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा ना, मेरे को पता है दो चार क्वेश्चन में तो आपका एक बार के लिए विरक्ति हो जाएगी, संन्यास लेने का मन करेगा, लेकिन अधिकतर में मैं आपको लोभ दिखाऊंगा नहीं भाई, है ना, इस माया की दुनिया में बहुत माया पड़ी है भाई। हाँ भाई अगले बैठो। ए टीम ऑफ एट स्टूडेंट्स गोज ऑन एक्सकर्शन। अब ये एक्सकर्शन का नहीं पता मतलब क्या होता है, आप तो लिखो गोज ऑन एन एक्सरसाइज, ठीक है ना भाई, होता होगा यार क्या मतलब, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं साहब, आठ लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है साहब। आगे सुनो आप तो, दो कारें, दो कारें, कितनी कारें, अपने को कितने लोग लेके जाने, आठ लोगों को लेके जाने, पहली कार में पांच सीट है, कितनी सीट है, पांच, और दूसरे में कितनी है, क्या चार, हाँ भाई, तो पहली में पांच सीट है साहब, ये और पीछे की तरफ तीन सीट है, राइट है भाई, लेकिन इस कार को दो ड्राइवर चला रहे थे, एक इधर वाला, तो इधर कोई नहीं बैठता, इधर कोई नहीं, एक इधर की सीट थी और बाकी नीचे पीछे की तरफ की तीन सीट है ना भाई। क्वेश्चन में जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे, खुद उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, मजा नहीं आएगा। तो एक में पांच सीट है, एक में चार सीट है, आदमी कितने, आठ, आठ है। अब आठ आदमी को अंदर बैठाना है इनमें, क्वेश्चन में दिमाग लगाएगा, क्वेश्चन में कहीं कोई इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता है कि नहीं, क्वेश्चन करा है कि नहीं करा है, ऐसा करा है ना, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा पूरा ध्यान सीटों से हटकर के ग्रुप पे रहेगा। इंटरनल अरेंजमेंट माने, इंटरनल अरेंजमेंट माने सीटें मैटर नहीं करती, कौन कितना बैठा, सीधा ग्रुप बनाओ भाई, आठ आदमी भैया अलग हो जाओ, है ना, कितने तरीके से ग्रुप बन सकता है, पांच और तीन, पांच और तीन, नहीं आया समझ में, जिसमें पांच आदमी इसमें घुसेंगे और तीन आदमी इसमें घुसेंगे, या चार चार, सही है नहीं। अब आओ इनको विभाजन करते हैं, पूरा ध्यान अटेंशन इस पे ही है ना, इसको करने का तरीका फैक्टोरियल एक, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल थ्री, फिर क्या, बस, अरे ये तो ग्रुप बना, फिर इन्हें भेजोगे ना इंटो में फैक्टोरियल टू, का है भैया इसमें या उसमें, नहीं आया, लेकिन रुको 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 रुको, हाँ 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 हाँ, तो बोलो ना मेरे को क्या लिखूं, वन या टू, वन 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 वन, नहीं आया, अरे एक ही तरीके से बैठ सकते हो, अगर आपने पांच और तीन में तोड़ डाला तो इसमें पांच जाएंगे नहीं ना, अरे इसके पास पांच सीटें ही नहीं है ना, एक ही तरीके से बैठा सकते हो, इसमें जाओ बेटा, ठीक है, या क्या हो सकता था, फैक्टोरियल आठ डिवाइड बाई फैक्टोरियल फोर का होल क्यू, है ना, होल क्यू, अरे होल स्क्वायर, इंटू इंटू बोलो इंटू वन अपन, फिर ऐसे फिर बोलो, आया कि नहीं आया, ये फैक्टोरियल टू कौन है, इधर या उधर, क्लिक कर गया, हाँ थोड़ा थोड़ा क्लिक करता है, ऐसा थोड़ी ना बर्बाद अपन धूल थोड़ी ना किए। हाँ भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, नंबर ऑफ डिवाइजर वाला, नहीं आया तेरे को, आठ का चार चार में डिवीजन, ढक्कन देख इधर, फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फोर, देख आ गया, दो बार है तो इंटू में, अरे ऐसा नहीं, हम तो बोलते रहेंगे, क्लास वाले सुनते रहेंगे क्या जाएगा, ठीक है ना, हाँ जिसने करी शर्म उसके भूटे कर्म, ठीक है, हाँ साहब, हाँ नहीं भूटा तो अच्छा, ऐसा कुछ खास है इस समय में, अरे हाँ मेरे पास में आई थी फोटो, मेरे पास भी आई थी कल, कोई फोटो खींची गई है, बहुत शानदार वीडियो बने, उठक बैठक कल या परसों जब भी है मेरे, आइए साहब, है ना, आ जाइए, क्या क्वेश्चन क्या है, ये हो गया आदमी डिवाइजर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये 10 आईआईटी के स्टूडेंट, मजा आ जाएगा, मजा है ना, पहली बात तो हमारे बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ना, 10 आईआईटी के स्टूडेंट है, दो पीईटी के स्टूडेंट है, एक पंक्ति में बैठना चाहते हैं उनके साथ, कैसे देखो जरा, है ना, अच्छा बैठाऊंगा वीरू को, आगे सुनना, नंबर ऑफ एज इन विच 3 आईआईटी स्टूडेंट्स सिट बिटवीन 2 पीईटी स्टूडेंट्स, कितने तरीके से 3 आईटी के स्टूडेंट 2 पीटी के स्टूडेंट्स के बीच में बैठ सकते हैं, पीटी के दो ही है, ठीक है ना, पीटी के कितने, पीटी के दो ही है ना, हाँ भाई सुनना जरा, पहला काम क्या करो, पहला काम सुनो तो सही, कहानी को देखो, आपको जब तक देखोगे नहीं आपको मजा नहीं आएगा, जब आप देख लोगे ना आपको क्लिक कर जाएगी, हाँ यार बहुत सिंपल कहानी, कुछ नहीं, बच्चों वाला काम था, आप पहला काम 10 में से 3 अलग कर लो, कौन से 3 जिन्हें आप बैठाना चाहते हो, कहां बैठाना चाहते हो, 2 पीटी के स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट पीटी के कितने, दो ही हैं, उनका नाम रख लो, ले भाई P1, ले भाई P2, तुम दोनों साथ साथ नहीं बैठोगे, तुम्हारे बीच में 3 बंदे बैठाऊंगा मैं,
कौन कौन से तीन बंदे? आईटी वन, आईटी टू, आईटी थ्री। ये आईटी वन, आईटी टू, आईटी थ्री को चुनने का तरीका 10 में से 3 चुन लिया ना आपने। अब चुनने के बाद में इनको बैठाओगे ना, इनको बैठाने के तरीके कितने? फैक्टोरियल 3, हाँ है ना, ये फैक्टोरियल 3। ये आपस में कितने तरीके से बैठते हैं? फैक्टोरियल 2, हाँ है ना। अच्छा अब आपने इनको एक मान लो ना, अब ये एक है, ये एक है अब, और बाकी का आईटी के किधर है? बाकी का आईटी के 7 जने हैं अभी भी। वो 7 जने जो होंगे वो कहीं भी बैठ सकते ना, इधर 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 कहीं भी बैठ सकते ना। ये सब मिलाकर के कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 8। अरे 7 तो आईटी वाले और ये एक अकेला खुद, और इनका अरेंजमेंट का तरीका ये अंदर वाला नहीं आया। क्लिक करा, कितने लोगों को दिखा? दिख रहा है ना, धुंधला ही सही, दिखने चाहिए बस। हाँ दिख रहा है ना, है ना, दोबारा से सोच लेना, दिख जाएगा। आंसर है क्या इसका? आंसर क्या दिया है? देख लेना, है ना, यही आंसर मेरे हिसाब से। एक मिनट, कितने लोगों का ये, मेरे को ये पहले क्लिक कराओ, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या चीज है? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमने किसको बैठा दिया? दो पीटी के बीच 3 आईटी को बैठा दिया। पहले 10 में से 3 आईटी चुन के लाए, उन्हें यहां बैठाया, उन्हें आपस में बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 3, पीटी वालों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 2, इन सबका ग्रुप को एक मान लिया, हाँ है ना, और बाकी के 7 लोगों के बीच इनको बैठाया तो ये 8 हो गए, है ना भाई। टोटल 8 तरीके से इनको नचा सकते हैं। आगे भाई, क्वेश्चन नंबर अगला, नंबर क्या है आपका? 7 या 9? अच्छा 9, हाँ भाई। अच्छा ये कमेटी प्रॉब्लम है, हो जाएगी, हाँ कर लेना स्वयं। हाँ भाई अगले पे जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 आदमी है, ABCDEF, आर टू बी सीटेड ऑन अ सर्कुलर टेबल। कॉपी में हो जाएगा, वेरी श्योर, पक्का ना, पक्का हो जाएगा ना। एक जी नहीं, मैं पढ़ तो लू। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन एज राइट। ए को बी और सी को अपने राइट में रखना है, ए को अपने राइट में बी और सी को रखना है, ए को बी और सी को अपने राइट में रखना है, कहने मतलब ए बी होगा या ए सी होगा। अच्छा आगे सुन लो, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं और बी को सी और डी को अपने राइट में रखना है, बी को सी और डी को रखना है, माने बी सी या बी डी, राइट है भाई। अच्छा देखो सुना जरा, इन नहीं ए सी होगा ना, क्यों नहीं होगा, ए के राइट में सी, तो देखो जरा केस क्या क्या बन सकते हैं, है ना। या तो ऐसा भी बन सकता है ना, एक केस एबीसी आ जाए, एबीसी या एबीडी। देखो ना इन दो केसेस में ये दोनों कहानियां एक साथ फुलफिल हो रही है, ए के राइट में बी आ रहा है और सी भी आ रहा है, और ए के राइट में बी आ रहा है और डी भी आ रहा है। या क्या कहानी हो सकती थी, या कहानी हो सकती थी एसी आ जाता, एसी क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना, एसी का खेल अलग चलता रहेगा, राइट है। अभी सुना 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 सुना, बी के बाद सी नहीं आएगा, उसने कहा बी अपने राइट में सी को रखेगा, सी अपने लेफ्ट में बी को रखेगा, ऐसा नहीं बोला, बी के बाद सी आएगा, सी के पहले बी आएगा नहीं बोल रहा वो। अरे एक छोटी सी बात, ठीक है, भारत में है ना कोई अमीर नहीं है, इसका मतलब मैंने ये थोड़ी बोल दिया भारत में सारे गरीब है ना, मतलब उल्टी बात नहीं है ना, तो समझ के चल रहा है, ऐसी भी कहानी है। अब आप कहानी को आगे सुनो, आगे सुनो, ठीक है, और क्या है कहानी, बस यही है, ठीक है। फिर क्या है, एसी आ गया, एबीसी हो गया, और कितने अपने पास, ई एबीसी डी ई एफ, इनको बैठाने के तरीके कितने हो गए? एक एबीसी का एक, और इनको बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 4। ये किस पे बैठा रहा है, सिंपल या किसी और पे? सर्कुलर टेबल पे, तो फैक्टोरियल 3 हो गए ना, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इनको अरेंज कर दिया, 6 तरीके हो गए। अच्छा एबीडी को बैठा लिया, तो बाकी बच्चे कौन, सीईएफ, इनको बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 3, 6। अच्छा एसी बैठेगा अगर, तो एक और कॉम्बिनेशन है जिसे हम मिस कर गए, बीडी, और बाकी बच्चा कौन रह गया, ईएफ, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, माने 18 तरीके हो गए सर। कितना आंसर है, 24 है, फैक्टोरियल 4 क्यों होगा, कहां 4, कौन सा, ये आखिरी वाला, 1 2 3 4, और 4 को सर्कुलर बैठा रहे हो ना, तो फैक्टोरियल 3।
अरे इधर भी तो चार ही है, देखो एक दो तीन चार, फैक्टोरियल तीन, कितना आंसर है? हाँ बराबर है ना, तो आंसर एकदम बराबर है, आंसर में कोई लफड़ा है? या हम नहीं सोच सकते थे, मैं तो खुद ही चक्कर में आ गया था कि आप कैसे मान रहे हो ये बात। हाँ भाई अब अगला बाद में करेंगे अपन, है ना।